नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सलोनी कश्यप। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों में। मटकी चौकी पर रहने वाले लोग कूड़ा करकट से हैं परेशान। पिछले काफ़ी समय से कूड़ा करकट फैला हुआ है, जिसकी वजह से वहां के क्षेत्रवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार हमारे संवाददाता अमरजीत ने वहां जाकर देखा तो सही पाया। हम अपने संवाददाता अमरजीत से बात करते हैं। जी अमरजीत जी, क्या स्थिति है और क्या कहना है वहाँ के लोगों का, बताइए। क्षेत्र के मटकी चौकी क्षेत्र में खड़ा हूँ, यहाँ पर कूड़े को लेकर काफ़ी समस्या है और व्यापारी और टाल के यहाँ पे स्वामी काफी परेशान है। आइए कूड़े को लेकर इनकी क्या समस्या है, इनसे बात कराते हैं आपके चैनल के माध्यम से। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक त्रिवेदी है, मैं मनकी व्यापार मंडल से हूँ। त्रिवेदी, क्या कहना है आपको कूड़े बारे में? मेरा ये कहना है, ये शास्त्री पुलिया जो मजदूर अड्डा है यहाँ से लेके और भाटिया जी कोल्ड डिपो है जो दूसरी पुलिया तक, यहाँ तक कूड़ा जो है करीब 1.5-2 महीने हो गए यहाँ से कूड़ा नहीं उठ रहा है। नगर निगम की टीम आती है, अगर कोई कूड़ा जलाता है, हमारा एक छोटे से व्यापारी था बराबर में, इसकी सिलेंडर की दुकान थी, तुरंत 500 रुपये उन्होंने चलान कर दिया। कूड़ा लेके कहाँ जाए आदमी, आप देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। हर आदमी परेशान है यहाँ पे और कई लोग शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करता। और क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? पैसे मांगता जो आते हैं कूड़े वाले वो पैसे मांग, पहली बात तो यहाँ कोई आते ही नहीं है, कोई रुकता ही नहीं है, ना झाड़ू वाला आता है ना कूड़े वाला आता है। अब से 1.5-2 महीने पहले आते थे, ठीक है, वो पैसे मांगते थे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पैसे ही देते आदमी, लेकिन कम से कम कूड़ा तो उठाए। निगम में शिकायत करी इससे पहले? हम कोरोना काल से पहले गए थे शिकायत करने, उन्होंने नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि हम इसको देखते हैं, कोई कार्रवाई हुई उसके बाद? कोरोना काल लग गया, कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन अब जो है क्या नाम, अभी भी सफाई नहीं हो पा रही। सभासद जी की स्वास्थ्य सही नहीं है, दूसरे अनुज वंशी जी हैं उनके देखते हैं, उनसे बोला था, उन्होंने कहा हम करवा देंगे, लेकिन यहाँ पे सफाई नायक 2-3 बदल चुके हैं। पहले बोले एक से बात करो, कोई सफाई नायक थे उनसे मैंने बात करा, उसके बाद फिर दूसरे सफाई नायक से बात, बोले मेरा क्षेत्र नहीं है, अब ये मेरा नहीं रहा, फिर दूसरे से बात करा, ठीक है, फिर उसने कहा अब मेरा 2 दिन, अभी मुझे 2 दिन हुए आए हुए, अब कोई तीसरा आ गया है, तो ये बताइए हम सबको इकट्ठा करते हुए और सबसे देखते हुए कौन सा सफाई नायक है यहाँ पे। सफाई नायक की ड्यूटी है ना कि वो अपना क्षेत्र देखे। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं प्रॉपर वे में कूड़ा उठे, स्वच्छता अभियान चल रहा है मोदी जी का, योगी जी का, उसको उसके हिसाब ढाई जा रही है, तो ये तो गलत मैसेज जा रहा है। और भी हमारे लोग व्यापारी जो खड़े हमारे पीछे, उनसे बात कराते हैं, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहें तो सभी लोग देख रहे हैं यहाँ जो चल रहा है, जो जैसा भी हो रहा है सब देख ही रहे हैं, ये सभी की पहली हो रही है, और सब सड़कें टूटी हुई चल रही, जिधर निकल जाओ वहीं पर टूट हुई, कोई रास्ता निकलने में मैसेज अच्छा जाना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से यही कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक पहुँचना चाहिए, और ये काम आगे बढ़ाए, साफ सुथराई हो जाए। और भी व्यापार भी हमारे पीछे खड़े हैं, उनसे बात कराते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। क्या कहना चाहते हैं सर जी? मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर जितना ये गंदगी फैली हुई, इस गंदगी की वजह से लोग बड़े परेशान हैं, बहुत बदबू आती है, कूड़ा उठ नहीं पाता है और लोग परेशान रहते हैं, मच्छरों से तंग आ गए हैं लोग, ये बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन ये कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या नाम आपका? जी क्या कहना चाहते हैं? ये तो बीमारी फैल रही है, बीमारी की जड़ आई बोलने वाले तो हमें उनको जला नहीं सकता, जलाएगा तो जुर्माना देगा, सबसे परेशानी आ रही है, महीनों हो गया कोई उठाने वाला ही नहीं आता है, इसकी शिकायत आलाज करें तो 200-200 रुपये दे के उठवाया, पूरा प्राइवेट आदमी है, आलाज करें, शिकायत करी, शिकायत करो कल सुनवाई वहाँ तक जाता है। आप एक बार जरा अपने कैमरा घुमाइए, देखिए कहाँ कूड़े के किस तरीके से, जाइए जाइए चलिए, अगर आदमी कूड़ा जला रहा है तो उसका चालान हो जा रहा है, ये कहाँ ले गया, और आगे आइए आइए। देखिए के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कूड़े का हाल, व्यापारी को काफ़ी परेशानी आ रही, व्यापारियों को देखिए कूड़े का हाल बार बार कैमरे से दिखा दे रहे हैं। हल दिखाया आपको, घर के दरवाजे तक कोई ढेर लगा हुआ है। देखिए हमने कूड़े का हल दिखाया आपको, क्या क्षेत्रवासी काफी परेशान है,
मैं अमरजीत सिंह, सिटी न्यूज से बरेली।